हेलो दोस्तों, अगर आप सच में नौकरी से उब चुके हो और काफ़ी परेशान हो तो अब आपको ऐसा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए एक ऐसा अमेजिंग पार्ट टाइम बिजनेस लेकर के आ गया हूँ जहाँ से आप एकदम भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, कुछ ही समय में फेमस हो सकते हो। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो आपका टाइम का फ़ायदा उठाना होता है। अगर आप सही समय पे, सही टाइम पे, सही प्रोडक्ट बना करके नहीं देते हो तो आपको भारी लॉस का सामना करना पड़ता है, आपका बिजनेस नहीं चलता है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है और हर कोई शुरू भी कर देता है, बट सही समय पर सही प्रोडक्ट ना देने की वजह से लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में को खो देते हैं और पैसा लॉस में चला जाता है। तो ऐसा ही एक ज़बरदस्त बिजनेस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस बिजनेस के द्वारा आप इस बिजनेस को दो तरीके से करते हो। जैसा कि मैं बता दूँ, इस बिजनेस का नाम है कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसा कि आज की डेट में टॉप ब्रांड कंपनियां जहां पर 25 से 30,000 रुपए के, 15 से 20,000 रुपए और 10 से 12,000 रुपए की, ऐसी कंपनियां में जो है कूलर सेल करती हैं। अब यहां पर एक कस्टमर जाता है, अब ये कूलर खरीदता कौन है? ये कूलर खरीदते हैं सिर्फ जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले या अपर क्लास फैमिली वाले लोग, गरीब आदमी तो खरीदता नहीं है। अब गरीब आदमी क्या करेगा, आखिर अगर उसे आवश्यकता पड़ती तो वो फैन में गुजारा करता है। आज की डेट में मैं बता दूं, दुनिया का 60% एक सर्वे में पाया गया है जहां पर आदमी सिर्फ फैन यूज करता है, चाहे वो टेबल फैन हो या फिर जो है छत वाला फैन हो या सेलिंग फैन हो या फिर किसी भी तरीके का फैन हो, वो सिर्फ फैन ही यूज करता है। अब इस सिचुएशन को देखते हुए आप एक आराम से एक सील्ड मटेरियल के द्वारा आप टिन का इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर टिन के अलावा प्लास्टिक या फाइबर्स का यूज़ करके एक ज़बरदस्त तरीके के मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये में आप अगर करना चाहते हो तो आप कूलर का निर्माण कर सकते हो। और एक पाइप के द्वारा, एक छोटी सी नलकी के द्वारा आप एक छोटा सा मोटर लगा करके वहाँ पर असेंबल करके और आराम से ठंडी हवा यानी कि एसी का मज़ा लोगों को दे सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप एक कूलर मैन्युफैक्चर करके बेच देते हो तब यहाँ पर आपको डबल का प्रॉफिट होता है। अगर एक आदमी भी आपसे खरीद करके लेके जाता है और अपनी एरिया में किसी भी एक आदमी से बताता है कि भैया मैं फला जगह से कूलर लेकर के आया हूँ, तो जितने भी गरीब लोग होंगे वो 100% आपके पास ज़रूर कूलर खरीदने के लिए आ जाएंगे। बट इसका टाइम जो क्या होता है, आप जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तुरंत आपके पास लगभग स्टॉक में 70 से 80 कूलर स्टार्ट हो जाने चाहिए। और जितने सेल होते हैं गर्मी के एंड होने से 2 महीना पहले ही आपके पास सारा सिस्टम व्यवस्थित हो जाना चाहिए, सब कुछ सेल हो जाना चाहिए। और जैसे ही मान लीजिए ठंडी आती है फिर आपको क्या करना, जो भी आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं उन्हें फिर से सुरक्षित रख देना है और सुरक्षित रखने के बाद फिर से नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। वो क्या आता है, वो हीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब इस तरीके से आप जैसे ही ठंडी आती है वहाँ पर कुछ समय पहले इसे स्टार्ट कर देना है और हीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके लोगों को जो हीटर मैन्युफैक्चर करके अलग अलग पार्ट से खरीद लो और फिर असेंबल करके लोगों को देना स्टार्ट कर दो। यहाँ से भी आप 30 से 40 हज़ार महीने का आराम से अर्न कर पाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे। तो एकदम अमेजिंग फैक्टेबल ये जो है वीडियो है जिसमें मैंने बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसे हर उस हिंदी समझने के वाले के पास, गरीब आदमी के पास शेयर कर देना जिसकी इसे अत्यंत आवश्यकता है। दोस्तों, मिलता है फिर इसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।